क्या आपका भी सपना है यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना और तैयारी शुरू करना चाहते हैं? तो हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज के माध्यम से आप यूपीएससी से संबंधित A to Z जानकारी प्राप्त करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तृतीय चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से 1947 ही तृतीय चरण 1919 से 1947 तक रहा। यह आंदोलन देश की आजादी के लिए हो रहे संघर्ष का अंतिम चरण माना जाता है। इस काल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। नील की खेती 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की और अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित चंपारण जिले में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन चलाया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष की कहानी सुनकर चंपारण बिहार के अनेक किसानों, जिनमें रामचंद्र शुक्ल प्रमुख थे, ने गांधी जी को आमंत्रित किया। यहाँ नील के खेतों में कार्य करने वाले किसानों पर यूरोपीय निलेह बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे। उन्हें जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा निलहों द्वारा तय दामों पर उसे बेचना पड़ता था। खिलाफत आंदोलन 1919-1922 का सूत्रपात भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर किया। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। महात्मा गांधी ने 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन अपनी अध्यक्षता में किया। उनके कहने पर ही असहयोग एवं स्वदेशी की नीति को अपनाया गया। के मध्य भारत में खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली एवं अबुल कलाम आजाद के सहयोग से जोर पकड़ता चला गया। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि स्थापित की गईं। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में परिवर्तनवादियों का नेतृत्व करते हुए चित्रंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में की। इस पार्टी की स्थापना कांग्रेस के खिलाफ की गई थी। इसके अध्यक्ष चित्रंजन दास तथा सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। स्वराज्य पार्टी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। शीघ्र अतिशीघ्र डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त करना, पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त करना, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना।
स्वराज्यवादियों ने विधान मंडलों के चुनाव लड़ने व विधान मंडलों में पहुंचकर सरकार की आलोचना करने की रणनीति बनाई। स्वराज्यवादियों को विश्वास था कि वे शांतिपूर्ण उपायों से चुनाव में भाग लेकर अपने अधिक से अधिक सदस्यों को काउंसिल में भेजकर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। वरसाड आंदोलन का संचालन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में किया गया था। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए डकैती कर के विरोध में इस आंदोलन का संचालन किया गया था। वायकोम सत्याग्रह एक प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व टी के माधवन, के केलपन तथा के पी केशव मेनन ने किया। यह आंदोलन त्रावणकोर के एक मंदिर के पास वाली सड़क के उपयोग से संबंधित था। काकोरी कांड 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके मुख्य कार्यकर्ता शचीन्द्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाकुल्ला खां तथा रोशन सिंह आदि थे। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी जाने वाली गाड़ी में लूटपाट की। इस घटना को कालांतर में काकोरी कांड के नाम से जाना गया। इस कांड के मुख्य अभियुक्त रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, शचीन्द्र बख्शी, राजेंद्र लाहिली, चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह आदि थे। इन नेताओं पर 2 वर्ष तक मुकदमा चलने के बाद रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी तथा बख्शी को आजीवन कारावास की सजा मिली। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर से साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस लाठीचार्ज में घायल हो जाने से लाला लाजपत राय की बाद में मृत्यु हो गई। मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। इस बम कांड का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, वे तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के उस कथन को दोहरा भर रहे थे कि बहरों को कोई बात सुनाने के लिए अधिक कोलाहल की आवश्यकता पड़ती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चूंकि इस बम घटना के कारण फांसी नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उन्हें सॉन्डर्स हत्याकांड एवं लाहौर षड्यंत्र से जोड़ दिया गया। तेईस मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई।
कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहां लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। नेहरू समिति। नेहरू समिति का गठन 28 फरवरी 1928 को किया गया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे ऐसे संविधान का निर्माण कर ब्रिटिश संसद के समक्ष रखें जिसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो। कांग्रेस ने बर्किनहेड की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। पंडित मोतीलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। समिति के अन्य सदस्यों में सर अली इमाम, एम एस अने, तेज बहादुर सपराव, मंगल सिंह, जी आर प्रधान, शोएब कुरेशी, सुभाष चंद्र बोस, एन एम जोशी और जी पी प्रधान आदि थे। जिन्ना के 14 सूत्र। जिन्ना के 14 सूत्र वाले मांग पत्र को 1929 में प्रस्तुत किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और वे नेहरू समिति द्वारा प्रस्तुत की गई नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट थे। यही कारण था कि उन्होंने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट से सिख समुदाय भी असंतुष्ट था। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 में जिन्ना के 14 सूत्र वाले मांग पत्र को प्रस्तुत किया। इसे ही जिन्ना के 14 सूत्र कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित व्यापक एवं सफल आंदोलन 1922 से चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सूरत गुजरात के बारदोली तालुके में 1920 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। आंदोलन के सफल होने पर वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। गांधी जी की 11 सूत्री मांग। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन एवं रेमजे मैकडोनल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री प्रस्ताव रखा जो इस प्रकार था। रुपये का पुनर्मूल्यन विनिमय दर में कमी 1 शिलिंग 4 पेंस हो। मद्य निषेध लागू किया जाए। नमक पर लगाकर समाप्त किया जाए। सैनिक व्यय में 50% की कमी हो। अधिक वेतन पाने वाले सरकारी पदाधिकारियों की संख्या कम की जाए। विदेशी कपड़े पर विशेष आयात कर लगाया जाए। तत्कर विधेयक लाया जाए। सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाएं। गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए। भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार प्रदान किया जाए। भू राजस्व आधा किया जाए। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि 12 मार्च 1930 तक मांगे नहीं स्वीकार की गई तो वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। गांधी जी के उपर्युक्त मांग पत्र पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। इसके फलस्वरूप 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का निश्चय किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। दांडी मार्च। गांधी जी और उनके स्वयं सेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों, जिनमें वेब मिल भी एक था, के साथ साबरमती आश्रम से 358 की मी दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा।
गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, महात्मा जी की दांडी मार्च की तुलना इलबाग से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। चारों तरफ फैली इस असहयोग की नीति से अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत बुरी तरह से झल्ला गई। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुए इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इस समझौते को बहुत महत्व दिया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कड़ी आलोचना की। कांग्रेसी भी इस समझौते से पूरी तरह असंतुष्ट थे, क्योंकि गांधी जी भारत के युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे से बचा नहीं पाए थे। इस समझौते की शर्तें निम्नलिखित थीं: कांग्रेस व उसके कार्यकर्ताओं की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाए, सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले को वापस लिया जाए, हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए, अफीम शराब एवं विदेशी वस्त्र की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने की अनुमति दी जाए, समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व उसे एकत्रित करने की छूट दी जाए, गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 के बीच लंदन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन की 31 अगस्त 1929 की घोषणा के आधार पर हुआ था। इस सम्मेलन में लॉर्ड इरविन ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के उपरांत भारत के नए संविधान की रचना के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। नवंबर 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारत और इंग्लैंड के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने की और 3 सम्मेलन आयोजित किए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 तक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। यह समझौता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रोकशया पर हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा न केवल मुस्लिमों को बल्कि दलित जाति के हिंदुओं को सवर्ण हिंदुओं से अलग करने के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया था। पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अप्रैल 1939 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 19 फरवरी 1938
को सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु गांधी जी के विरोध के चलते उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तथा अप्रैल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी का गठन किया। उल्लेखनीय है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था। 1942 में जापान की फौजों के रंगून, वर्तमान यांगून पर कब्जा कर लेने से भारत के सीमांत क्षेत्रों पर सीधा खतरा पैदा हो गया था। अब ब्रिटेन ने युद्ध में भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को घोषणा के एक मसविदे के साथ भारत भेजा। क्रिप्स प्रस्तावों में भारत के विभाजन की रूपरेखा का संकेत मिल रहा था, अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंतरिम प्रबंध, रक्षा से संबंधित योजना एवं प्रांतों के आत्मनिर्णय के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ था। भारत की आजादी से संबंधित इतिहास में दो पड़ाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आते हैं। प्रथम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और द्वितीय 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत को जल्द ही आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज शासन के विरुद्ध यह एक बड़ा नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने एक और बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय ले लिया था। इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। माउंटबेटन योजना। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए। पद ग्रहण करते ही उन्होंने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं से तात्कालिक समस्याओं पर व्यापक विचार विमर्श किया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी भी विकल्प पर सहमत नहीं हुई। माउंटबेटन ने कांग्रेस से देश के विभाजन रूपी कटु सत्य को स्वीकार करने का अनुरोध किया। कांग्रेस नेता भी परिस्थितियों के दबाव को महसूस कर इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। माउंटबेटन योजना स्वीकार करने के बाद देश के विभाजन की तैयारी आरंभ हो गई। बंगाल और पंजाब में जिलों के विभाजन तथा सीमा निर्धारण का कार्य एक कमीशन के अधीन सौंपा गया। जिसकी अध्यक्षता रैडक्लिफ ने की। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन करने वाली रेखा को रैडक्लिफ रेखा कहा गया। विभाजन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नाम के दो नए राष्ट्र अस्तित्व में आ गए।
जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री एवं लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बने तथा पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना एवं प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया। एक नज़र मेरे चैनल पर डालते हैं दोस्तों, यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है तो यूपीएससी एनोनिमस क्वाइज यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों यहां हमारे तरफ से सभी यूपीएससी कोचिंग नोट्स को कलेक्ट करके फ्री में दिए जाते हैं जो आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगी। ये नोट्स और वीडियो यूपीएससी और आईएएस टॉपर बनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। ये वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बनाया गया है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।